तो बी रेडी एंड कम विद अस। नॉर्थ इंडिया में स्थित उत्तराखंड एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। साथ ही यहाँ मौजूद हिल स्टेशन टूरिस्ट को उत्तराखंड का दीवाना बनाते हैं। लैंडोर शुरू में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के निर्माण के लिए बनाया गया था। 1827 से जब लैंडोर में एक सैनिटोरियम बनाया गया था तो ये शहर सेना के लिए एक मेडिकल स्टेशन था। आज हम आपको ले जा रहे हैं लैंडोर चार दुकान, जो कि देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है, और लाइब्रेरी चौक मसूरी से लैंडोर 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड मेरा नाम है निशांत और आप हैं अभी पहाड़ी अनसिनसोल पे। तो दलाई हिल्स के बाद हम आ चुके हैं अभी चार दुकान में, जो कि लैंडोर के पास है। चार दुकान जाने की बहुत ही फेमस जगह है। आप अगर मसूरी आए हो तो आपको चार दुकान का इजीली आइडिया होगा। तो चलते हैं, कुछ खाने का ऑर्डर किया अभी हमने। पहाड़ों की चीज़ें ना, यहाँ पे डॉग्स बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो अब हम जा रहे हैं शॉप के अंदर। चार दुकान में से एक दुकान के अंदर घुस चुके हैं अभी। और ये है आरजे मिताली रावत, खाने के एकदम तैयार तत्पर बैठी हुई है। नीटू मज़ा आ गया। तो अगर आपको चार दुकान में आके कुछ खाना है तो प्लीज़ कैश कैरी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, आपका गूगल पे और पेटीएम कुछ नहीं चलेगा। तो मैं अभी चार दुकान में से एक दुकान पे हूँ, जिसका नाम है अनिल कैफे। चार दुकान लगभग 100 साल से पहले की है ये प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में भी दुकानें थी यहाँ पे। तो जैसे अभी आजकल कोरोना चल रहा है तो कितना फर्क पड़ा है लाइक टूरिस्ट को? मतलब मेन सीजन तो निकल ही गया था, मई जून का जो होता है मेन सीजन। अच्छा, वो निकल गया था, वो लॉकडाउन में गया है पूरा। अच्छा, लॉकडाउन में चला गया। हाँ, उसके बाद फिर जून में खुला, ये जून 8 जून को खुला, तो उसके बाद फिर सैटरडे संडे ने बंद रखा, तो मेन क्राउड सैटरडे संडे को आता था यहाँ पे, उसमें भी कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं चला। उसके बाद जब इन्होंने लॉकडाउन बंद कर दिया जी, सैटरडे संडे ओपन कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा काम चलने लगा, तो देहरादून से काफी क्राउड आता है सैटरडे संडे को। हमने यहाँ पे भी चीज पराठा खाया था, आलू पराठा और चाय खाई थी और बंद ऑमलेट, तो सिर्फ हमारा 270 रुपीज हुआ है। तो अगर आप चार दुकान आते हैं तो अनिल कैफे में पक्का आइए। अब हम नेक्स्ट जहाँ जा रहे हैं वो है लैंडोर बेक हाउस, मसूरी का सबसे बेस्ट। फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। बॉलीवुड में रस्किन बॉन्ड की कहानियों पर काफी फिल्में बन चुकी हैं। उनके द्वारा लिखी गई नॉवेल्स में से एक लैंडोर डेज है। लैंडोर रस्किन बॉन्ड के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इस समय रस्किन बॉन्ड लैंडोर में डोमास के पास रह रहे हैं। गिम्बल ने धोखा दे दिया, चल ही नहीं रहा, पता है इतना ट्राई किया ना मैंने चलाने का, बट चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो हल्की फुल्की खराब आने वाली है, बट जगह मस्त है, एंजॉय करो यार। सो गाइज, हम लोग लाल टिब्बा पहुंच चुके हैं, तो अब लाल टिब्बा जा रहे हैं क्योंकि वो बेकरी के रास्ते पे ही है। तो अगर आपको कम क्राउड वाली जगह पर टाइम स्पेंड करना है देन लैंडोर इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। आप यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो अभी हमें वॉक करते हुए आधा घंटा हो चुका है, हम बस वॉक कर रहे हैं। आपको लैंडोर में काफी पुराने घर देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय के होंगे। तो गाइस, बेकरी जाने के लिए आपको एक मज़ार पड़ेगा, मज़ार से आपको सीधा चलना है।
इशू ये है कि आज वेनसडे और वेनसडे में यहाँ पे अंदर एंटर नहीं होने देंगे क्योंकि यहाँ बंद है, तो हम टेक अवे लेंगे अपना। तो हम खाते हुए लैंडर बेक हाउस का खा के पता चलेगा। फ्रेश है, सच में फ्रेश है, और आसपास बंदर है, इसलिए हम दूर आके खा रहे हैं ताकि बंदर छीन के ना भाग जाए। मैं लैंड्रो बेकरी पे था, उसके जस्ट बगल में एक शॉप मिली है मुझे जिसका एक मोटो है कि थिंक ग्लोबल बाय लोकल। तो उनकी शॉप का नाम क्या है? मेरी वैसे शॉप का नाम ग्रीन लाइफ का नाम था जी। जी, जैसे मैंने उसमें लोगो देखा है, उसमें लिखा हुआ है कोट कि थिंक ग्लोबल बाय लोकल। तो मतलब पर्पस क्या है लाइक इस शॉप का? पर्पस ये है जी कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं गांव के, जी उनके उसको प्रोड्यूस वो करना, प्रमोट करना जी। एंड बिसाइड दैट जैसे आजकल लोग गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ओके, एंड प्रमोट दैट। ओके, जैसे यहाँ पे मास्क है ये भी लोकल लोगों ने बनाया है ना? ये लोकल। ओके, इसका प्राइस 60 रुपीस है ना? 60। ओके, तो ये सब लोकल है। कैप ऑल्सो। ओके, और आपका नाम? माय नेम इज राकेश। राकेश जी। सो गाइस, जितना भी यहाँ पे प्रोडक्ट है सारा लोकल है, और अगर आप लैंडोर आते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, प्राइस भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो गाइज, ये था अब तक का हमारा व्लॉग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिताली को भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और मुझे भी। थैंक यू सो मच। कैन यू प्लीज स्पेल माय इंस्टाग्राम आईडी व्हिच इज आई एम अ रैम्बलर। आई एम अ रैम्बलर, और मैं उसको मेंशन कर दूंगा तुम्हारा लिंक। बाय।